हेलो दोस्तों, अब हम आलू की दही की सब्जी बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 4 आलू लिए, उसको मैंने कुकर में उबाल कर छोल कर काट कर रख लिया है। पैन को गरम रख दिया है गैस पर। अब मैं 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर ऑयल डालूंगी। जैसे कि मैंने 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, ऑयल को हल्का गर्म होने दीजिए। अब मैं इसके अंदर 1 छोटा चम्मच राई पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 मीठा नीम और हरी मिर्च जो बारीक मैंने काट रखी थी वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैंने दही जो कि इसके अंदर घोट कर रखा था वो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दही को मैं हिलाती रहूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 नमक जो कि आप अपने स्वाद अनुसार इसके अंदर डाल सकते हैं। आलू की सब्जी बनाते वक्त बस ये ध्यान रखिए कि आपको दही को ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको उसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि वो दही का मिश्रण और पानी अलग-अलग ना हो। 2 4 उबाले आने दीजिए। जब आपको लगे मेरे 2 4 उबाले आ गए हैं और मेरा मिश्रण बनकर तैयार है तो आप इसके अंदर बारीक जो कि आपने आलू को काट रखा था वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। अब आप इसको 4 से 5 मिनट तक हल्का सीजने दीजिए जिससे कि जो वो आपका मिश्रण है वो लगभग बनकर तैयार हो जाएगा और अच्छे से आपकी सब्जी पक जाएगी। ये हमारे आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर हम इसे हरे धनिए से गार्निशिंग कर दी है। ये हमारे आलू की दही की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए और मुझे बताइए आपकी दही वाले आलू की सब्जी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।